वेलकम बैक फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बोया लेवलियर माइक्रोफोन का अनबॉक्सिंग करके दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर इसकी बॉक्स की बात करें तो यहां पे आपको बोया का एक डायग्राम दिया गया है, इसकी लेवल दी गई है, और अगर इसके साइड की बात करें तो यहाँ पे इसका BYM1 बोया का मॉडल नंबर दिया गया है। यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे दिया गया है सपोर्ट करता है फॉर स्मार्टफोन्स कैमकॉर्डर DSLR एंड ऑडियो रिकॉर्डर्स PC ETC के लिए। अगर इसके बॉक्स की बैक साइड की बात करें तो यहाँ पे इसके कुछ फीचर्स दिए गए हैं, क्लिप ऑन माइक फॉर स्मार्टफोन DSLR कैमकॉर्डर्स ऑडियो रिकॉर्डर्स PC ETC एक्सेट्रा, ओमनी डायरेक्शनल कंडेंसर माइक्रोफोन, हाई क्वालिटी कंडेंसर इज आइडियल फॉर वीडियो यूज, लो हैंडलिंग नॉइज, और इसके साथ ही लेपेल क्लिप, LR44 बैटरी, फोम विंडस्क्रीन और 1x4 एडेप्टर्स के इसमें इंक्लूड किया गया है। अगर स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो पोलर पैटर्न ओमनीडायरेक्शनल, फ्रीक्वेंसी रेंज 65 Hz to 18 kHz, सिंगल नॉइज 74 decibel SPL, सेंसिटिविटी की बात करें तो -30 dB से लेकर के +3 dB 0 dB। अगर आउटपुट इम्पेडेंस की बात करें तो 1000 ohm और उससे कम की आउटपुट इम्पेडेंस इसमें देखने को मिलती है। कनेक्टर सपोर्टेड 3.5 mm जैक और 1:4 गोल्ड प्लग। अगर इसकी बैटरी की बात करें तो इसमें LR44 बैटरी यूज में लिया जाता है। माइक्रोफोन की वेट 2.5 ग्राम की है और पावर मॉड्यूल 18 ग्राम की। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि MRP 2750, हालांकि मैंने इसे अमेजन से 848 रुपये में ही ख़रीदा है। तो दोस्तों आपको यहाँ इस माइक की बेस्ट प्राइस जहाँ देखने को मिली मार्केट से, अमेजन से या फिर किसी भी ऑनलाइन स्टोर में, आपको जहाँ बेस्ट प्राइस देखने को मिले वहाँ से आप इसे चाहे तो खरीद सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया, आप वहाँ से जाके इसकी पूरी डिटेल फिर से एक बार चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए मैं इसको अनबॉक्स करके आपके सामने दिखाता हूँ। चलिए मैं इस डब्बे को ओपन कर लेता हूँ। इस बॉक्स को ओपन करते के साथ ही इसमें ब्लैक कलर की लेदर की परफेक्ट बैग देखने को मिलती है। चलिए इस बॉक्स में और क्या क्या इंक्लूड्स है वो भी हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने इस बॉक्स को ओपन किया तो कुछ इतने सारे सप्लीमेंट्स देखने को यहाँ पे मिल गए। यहाँ पे सबसे फर्स्ट पे आता है ये बोया का एक यूजर मैनुअल गाइड दिया गया है, जो कि सारे डिवाइसेस के साथ लगभग दिए ही जाते हैं। चलिए इसको मैं साइड में रखता हूँ। इसके साथ ही यहाँ पे वारंटी सर्विस पॉलिसी दिया गया है और वारंटी कहाँ कहाँ कवर नहीं किए जाएंगे ये भी यहाँ पे कुछ डिटेल्स दिए प्रोवाइड करवाए गए हैं। इसके साथ ही यहाँ पे हमारे माइक्रोफोन्स जो कि मैंने अमेजन से मंगवाया है उसका रिसिप्ट है। एक पैकेट दिया गया है जिसमें एक आपको LR44 बैटरी दी गई है, एक सिलिका जेल की पैकेट्स है, एक टिप कवरिंग फोम दिया गया है जिसको आप माइक के टिप को कवर करने के लिए काम आती है, एक क्लिप्स है जिसको आप अपने कॉलर या फिर शर्ट के कॉलर के साथ या फिर शर्ट के साइड वालों के साथ इसे मैच करके आप कनेक्ट करवा सकते हैं, और एक 1x4 एक एडेप्टर दिया गया है। अगर इस पैकेट को हम ओपन करें तो यहाँ पे आपको M1 बोया का कुछ इस तरीके का माइक्रोफोन्स नज़र आ रहा है। तो दोस्तों इस बॉक्स में इतने सारे सप्लीमेंट्स आपको देखने को मिल गए। चलिए हम माइक की टेस्टिंग करते हैं, आपको ऑडियो क्वालिटी सुनाते हैं और किस तरह से माइक को सेट किया जाएगा ये भी आपको मैं वीडियो के आगे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले अगर इस माइक को देखें तो ये रहा आपके माइक का सबसे हेड पोजिशंस, जिसके थ्रू आप इस क्लिप को कनेक्ट करवाने के लिए यहाँ पर आपको सेट करना पड़ेगा, और एक क्लिप कनेक्ट हो गया। इसके साथ ही इसके टिप पर इसको कनेक्ट करवाएंगे। दोस्तों अभी बिल्कुल ही परफेक्ट हो गया, आप इसे कॉलर के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। दोस्तों इसे बैटरी सेट करने की बात करें तो यहाँ पे आपको इसको ओपन करना है, इसके बाद आपको इस बैटरी को LR44 बैटरी को लेना है और यहाँ पे आपको एडजस्ट करना है। बैटरी को सेट करने के लिए आप इसको ओपन करके यहाँ पर बैटरी को सेट कर सकते हैं। हालाँकि बैटरी अगर आप स्मार्टफोन या फिर PC लैपटॉप के लिए अगर इसे यूज कर रहे हैं ऑडियो को रिकॉर्डिंग के लिए, तो इसमें आपको कोई भी बैटरी की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप DSLR यूज करते हो तभी आपको बैटरी की ज़रूरत होगी। यहाँ पे आपको दिए गए हैं बटन्स, अगर आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग अपने कैमरा के साथ करनी है तो इसको ऊपर कर देना है, अप कर देना है, नहीं तो आप इसके नीचे ऑफ करके स्मार्टफोन पे सेट कर सकते हैं। इसको आपको जहाँ पे ऑडियो रिकॉर्डिंग करना है उसके थ्रू आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब इस माइक की ऑडियो टेस्टिंग की बात करें तो इससे आगे जो भी वीडियो आएगी ये सारी की सारी ऑडियो इस माइक के थ्रू ही आएगी। अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपने सैमसंग के स्मार्टफोन के जो आप
ईयरफोन देखते हैं उससे मैं आवाज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब इसके आगे जो भी नेक्स्ट आएगी इस ऑडियो इस माइक के थ्रू ही ऑडियो आपको सुनाई देखने को मिली। अब मैं आपको बता दूं कि मैंने इस माइक को अपने शर्ट के कॉलर के साथ सेट कर लिया है और आप जो भी ऑडियो सुन रहे हैं इस माइक के थ्रू ही ऑडियो आपको सुनाई दे रही है। तो आपको पहले वाले ऑडियो और इस वाले ऑडियो में आपको काफ़ी हद तक फ़र्क देखने को मिल रहा होगा। आपको बता दें कि इस माइक को बेस्ट क्वालिटी की ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए इस माइक को अपने माउथ से काफ़ी हद तक दूर रखें तो ठीक रहेगा, इससे बेस्ट आवाज़ के ऑडियो मतलब आपको देखने को मिलेगी। अगर इसको आप पास रखते हो तो थोड़ी बहुत आपको इसमें दिक्कत और नॉइज मतलब देखने को मिल सकती है। ऐसे सलाह दी जाती है कि इसको अगर अपने माउथ से दूर रखें तो ही बेस्ट आप साउंड सुन सकते हैं। तो दोस्तों आपको अभी भी आप कोई इस माइक से रिलेटेड किसी प्रकार का और कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। अगर आपको इसके फुल फीचर्स या फिर आपको इस माइक को बाय करना है तो नीचे डिटेल्स लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाके एक बार चेकआउट कर सकते हो और आपको जहां भी बेस्ट प्राइस रेंज मिले आप वहां जा करके मार्केट से या फिर ऑनलाइन स्टोर से जहां भी आपको बेस्ट प्राइस मिले वहां से आप इसे खरीद सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया इस चैनल को फॉलो कर लीजिए और मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही कोई नई अनबॉक्सिंग रिलेटेड वीडियोज या फिर टेक रिलेटेड वीडियोज के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।